वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के सवाल को आगे लेकर चलते हैं। तो सवाल दिया हुआ है, ए टेट्राहेड्रॉन ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एज इज रेस्टिंग ऑन द एच पी ऑन वन ऑफ इट्स फेस विथ एज ऑफ दैट फेस पैरेलल टू द VP, draw its projection and measure the distance of its the apex. तो इसमें से टेट्राहेड्रॉन खींचना है जिसका एक एज VP के क्या है, पैरेलल है, और उसका वो HP पर रखा हुआ है, वो HP पर रखा हुआ है लेकिन एक एज क्या है, VP के पैरेलल है, और उसका सभी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर का है। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन सिर्फ एक साइड का दिया है, टेट्राहेड्रॉन में सभी साइड क्या होगा, इक्वल होगा। टेट्राहेड्रॉन एक प्रकार का ट्रायंगुलर पिरामिड के तरह ही होता है, लेकिन इसमें सभी, जिस प्रकार क्यूब में सभी एज इक्वल होता है ना, उसी प्रकार टेट्राहेड्रॉन में सभी एज इक्वल होता है। तो इसमें एक्सिस दिया हुआ नहीं है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो फिर तो देखते हैं। वो टेट्राहेड्रॉन क्या कह रहा है, एचपी पर रखा हुआ है वो टेट्राहेड्रॉन एचपी पर रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक एज क्या बोल रहा है इसका, बीपी के क्या है, एक एज बीपी के पैरेलल है, बीपी के पैरेलल है। तो टॉप से देखते हैं ऐसा दिखता है और फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो एक एज को क्या करेंगे हम लोग, वीपी के पैरेलल को होते हुए 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल का। ट्रायंगुलर शेप दिखेगा टेट्राहेड्रॉन टॉप से देखने पर, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगुलर शेप को फाइन कर लेंगे, ट्रायंगल खींच देंगे और इसके बीच में हमको सेंटर फाइन करना है। तो सेंटर कैसे फाइन करेंगे, कोई भी दो साइड को हाफ कर लेते हैं हम लोग, कोई भी दो साइड को हाफ कर दिए यहाँ पे, ठीक है, और इसके बीच में सेंटर फाइन करेंगे हम लोग, सेंटर फाइन करेंगे एम और एन, और यहाँ पे ट्रायंगुलर पिरामिड है तो सभी क्या होगा, एपेक्स से मिल जाएगा, सभी वर्टेक्स का लाइन एपेक्स से मिल जाएगा, ठीक है। नेमिंग करते हैं इसका, ए बी सी और इसका यहाँ पर M और N है, यहाँ पर M और N नहीं देके D दे देते हैं लाइन नेमिंग इसका D, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक्सिस दिया हुआ नहीं है तो कैसे इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, तो एक्सिस को फाइंड करने का एक तरीका प्रोसेस होता है कि कोई भी पैरेलल लाइन का एक इसका एपेक्स से एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ से इसके सेंटर से सी पर को सी पर चाप रखेंगे और नीचे की तरफ घुमा देंगे, ठीक है, घुमा दिए। अब जो ये लाइन जो हुआ सी डैश, सी डैश, सी डैश को क्या करेंगे, आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। अब सबका प्रोजेक्शन धीरे धीरे आगे लेकर चलते हैं। यहाँ तो एक्सिस का डिस्टेंस दिया हुआ ही नहीं है तो ये जो लाइन जा रहा है ना सी डैश का लाइन, ये हमारा क्या करेगा, एक्सिस का डिस्टेंस को फाइंड करेगा। तो हम लोग अपने मन से कोई लाइन ले लेते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे, यहाँ से 50 mm C1 ले लेते हैं इसको, फिर ये C1 जो होगा यहाँ पे 50 mm यहाँ से मार्क लेते हैं इसको, और C1 से 50 mm जो काटेंगे वही एक्सिस का लेंथ होगा वो, ना कि डायरेक्ट यहाँ से 50 mm मापेंगे, डायरेक्ट यहाँ से 50 mm मापेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग C1 से 50 mm चाप के द्वारा माप कर इसको दिखा देते हैं आप लोगों को, यहाँ पे चाप के द्वारा 50 mm यहाँ से मापेंगे, चाप के द्वारा 50 mm या 5 सेंटीमीटर को माप कर काटेंगे, वो मेरा एक्सिस होगा, ठीक है, वही मेरा एक्सिस होगा टेट्राहेड्रॉन का। अब क्या करेंगे, सबको मिला देते हैं, जब एक्सिस पता चली गया तो सबको क्या करते हैं, यहाँ पे
मिला देते हैं, वही मेरा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रॉन का फ्रंट व्यू हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश, और यहाँ पे बी डैश, और सी डैश, और ऊपर में डी डैश। तो इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50 mm का जो साइड लिए हुए थे, 50 mm साइड को यहाँ पर दिखा देंगे। यहाँ पे 50 mm के साइड को दिखा देंगे। तो इसी प्रकार बनेगा मेरे टेट्राहेड्रॉन का सवाल। अगर आपको इस सवाल में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें प्रॉब्लम को बताएं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए बाय।